Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका testbook.com में। एसएससी ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी एग्जामिनेशन 2020 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 10 अक्टूबर 2020 से और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 4 नवंबर 2020। और अब जब नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की पोस्ट पर जो कैंडिडेट रिक्रूट होते हैं उनका जॉब प्रोफाइल और सैलरी क्या होता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी का जॉब प्रोफाइल और सैलरी। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल की। तो देखिए, जॉब प्रोफाइल में क्या होता है, जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में जो कैंडिडेट्स रिक्रूट होते हैं उनको मोस्टली दिल्ली में पोस्टिंग मिलती है और वो जो मिनिस्ट्रीज होती है, जो मंत्रालय होते हैं या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें उनको पोस्टिंग दी जाती है। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में क्या होता है, आपका दिल्ली में आपको पोस्टिंग मिलती है ज्यादातर और आप मिनिस्ट्रीज में या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट्स है वहां पर आपको पोस्ट किया जाता है, वहां पर आपकी पोस्टिंग होती है। उसके बाद ग्रुप डी में क्या होता है, ग्रुप डी में दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई। तो ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई में आपकी को यहाँ पर पोस्टिंग मिलती है। इन ग्रुप एक्स स्टेनोग्राफर जो होते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्राइमरली दिल्ली में लोकेटेड होते हैं वहां पर काम करते हैं। और ग्रुप वाई में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो ऑल ओवर इंडिया में जो है उनको वहां पर पोस्टिंग मिलती है। तो इस तरह से आपकी पोस्टिंग की दो चीजें हो गई। ग्रुप सी वाले जो होते हैं उनको मोस्टली दिल्ली में पोस्टिंग मिलती है, जो मिनिस्ट्रीज होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पर। और ग्रुप डी में क्या होता है, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई में आपकी पोस्टिंग होती है और जिस ग्रुप में आपकी पोस्टिंग हुई है एक्स या वाई में उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिलती है। फिर हम बात करते हैं आपकी ड्यूटीज क्या होती है। अगर आप रिक्रूट हो गए, आपको पोस्टिंग मिल गई, फिर आपकी ड्यूटीज क्या होती है। सबसे पहला काम होता है आपका स्पीच राइटिंग। सबसे पहला काम आपका यही है कि जो आपके असाइंड जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ जब आप काम करते हैं, सबसे पहला काम क्या है, जो ऑफिसर जो होते हैं आपके अधिकारी होते हैं उनके द्वारा दी गई जो स्पीच है उसको आपको नोट डाउन करना होता है। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला काम आपका ये है स्पीच को लिखना, स्पीच राइटिंग। फिर दूसरा होता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग होती है उसमें। देखिए, किसी आप अधिकारी के साथ असाइंड है या फिर जो कोई अधिकारी है या फिर कोई मिनिस्टर है जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीच देते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बताते हैं, तो उसको आपको अटेंड करना होता है अपने अधिकारी के साथ या फिर अपने जो मिनिस्टर हैं उनके साथ। और वो अटेंड आप इसलिए करते हैं क्योंकि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है उसको आपको नोट डाउन करना होता है, सारी डिटेल्स होती हैं उसको आपको नोट करना होता है। क्योंकि बाद में क्या होता है, जब कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब आप देखते हैं कोई मिनिस्टर है या फिर कोई अधिकारी है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसका प्रेस रिलीज भी किया जाता है, तो आपको जितनी भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स हैं उनको आपको नोट करना होता है, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, और फिर उसको प्रेस रिलीज के लिए देना होता है क्योंकि वो आपकी जो डिटेल्स हैं उसी के जरिए प्रेस रिलीज किया जाएगा। तो आपका दूसरा काम ये होता है स्टेनोग्राफर जो होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग। उसके बाद होता है मिनिस्टर ऑफिस ऑफिसर असिस्टिंग। तो देखिए, आप जिस मिनिस्टर के साथ या फिर जिस ऑफिसर के साथ असाइंड हैं, जुड़े हुए हैं, उनके जो काम है आप उनकी जो स्पीच होती है उसको प्रिपेयर करना आपका काम होता है। क्योंकि आप देखिए, जो बहुत सी गवर्नमेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती है आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो होते हैं सिंस दे आर इन्वॉल्व इन वेरियस गवर्नमेंट प्रोसीडिंग दे नो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट यूजफुल फॉर द ऑफिसर मिनिस्टर। तो आपको जितनी भी जो गवर्नमेंट की प्रोसीडिंग्स हैं, जो उनकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होती है, इसीलिए जो आपकी जो ऑफिसर होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, उनकी जो स्पीच है वो आपको प्रिपेयर करनी होती है। अगला होता है पब्लिक रिलेशन हेल्पिंग। जो पब्लिक रिलेशन होते हैं उसमें आपको मदद करनी होती है। देखिए क्या है, दीज नोट्स आर अबाउट वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड देयर स्टैंड ऑन इशूज। तो देखिए, जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और उनके जो अलग अलग इशूज हैं उसमें गवर्नमेंट के क्या स्टैंड्स हैं, ये आपको ये सारी चीजों पर आपको नजर रखनी होती है। द इन्फॉर्मेशन नीड्स टू रीच पब्लिक, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिक तक पहुंचनी होती है, इसीलिए जो स्टेनोग्राफर है वो पब्लिक रिलेशन जो ऑफिसर्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं ये सारी जो डिटेल्स है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो इश्यूज हैं और उन इश्यूज पर जो गवर्नमेंट का स्टैंड है ये सारी जो जानकारी है ये जो पीआर ऑफिसर्स होते हैं उनको स्टेनोग्राफर्स पहुंचाते हैं ताकि जो पब्लिक है, जो जनता है, उन तक ये सारी जानकारी जो है वो पहुंचाई जा सके। तो पब्लिक रिलेशंस हेल्पिंग में भी
स्टेनोग्राफर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये बेसिकली सारे काम हो गए स्टेनोग्राफर की जो ड्यूटीज होती है। उसके बाद हम बात करते हैं सैलरी क्या होती है। तो देखिए ग्रेड सी जो होते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, उनका सैलरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। जो आपका पे स्केल है वो 4200 से 4600 के बीच में होता है, और जो आपका पे बैंड है वो 9300 से 34800 के बाला होता है। पे स्केल जो है आपको ये तो 4200 होगा या 4600 होगा। उसके अलावा आपके जो अलाउंसेज हैं वो भी आपको मिलते हैं अलग से। आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है, एचआरए मिलता है, फैमिली अलाउंस मिलता है, टेलीफोन अलाउंस मिलता है, कन्वेंस अलाउंस मिलता है, और जो भी आपके अलाउंसेज जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जिनके लिए आप एप्लीकेबल होते हैं जो आपके लिए, वो सारे अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं। ग्रेड डी में क्या होता है, ग्रेड डी में पे स्केल होता है 2400, पे वेंट होता है 5200 से 20200 वाला, और यहाँ पर भी सारे अलाउंसेज जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो आपको दिए जाते हैं। आपको टीए मिलता है, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, फैमिली अलाउंस हो गया, टेलीफोन अलाउंस हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, तो सारे जो अलाउंसेज हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको दिए जाते हैं। तो ये था एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी का जॉब प्रोफाइल और सैलरी, जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।